झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके की एक युवती ने अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जतिन कुलहरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए चिड़ावा थाने में मामला दर्ज करवाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर आज पीड़िता एसपी के पास पहुंची, जहां पर पीड़िता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जतिन कुलहरी ने सगाई के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपने आप को एयरफोर्स में जॉब करना बताते हुए अपने किसी अन्य को अपना माता पिता के रूप में मिलवा कर सगाई की, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। जतिन ने अपने आप को नवलगढ़ इलाके का बताया। युवती ने बताया कि जतिन पहले से शादीशुदा था। एसपी ने बताया कि युवती की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी वॉलीबॉल खिलाड़ी जतिन के पिता दर्शन सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। 13 दिसंबर को जतिन कुलहरी के साथ एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद उसने मेरे साथ कम से कम 5 बार ब्लैकमेल किया और अब वो शादी के लिए उसका पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके एक 5 साल का लड़का है और उसने अपने आप को एयरफोर्स में जॉब करता हुआ बताया जबकि वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है और उसके अपने नकली माता पिता बना के ले आए और अपना गाँव भी नवलगढ़ के पास उठाया जबकि वो जोड़िया का रहने वाला है। अभी एसपी ऑफिस जी, मुझे तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने एक FIR दर्ज कराया है और घटना अभी फिलहाल तो ये बालिक है मगर घटना जब की बता रही है तब वो नाबालिग थी और इसमें जो आरोपी है एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर है। इसमें अनुसंधान चल रहा है, पीड़िता के बयान हमने ले लिए हैं, नक्शा मौका की कार्रवाई हो गई है, बाकी जो अनुसंधान में जैसा आएगा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की।